नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। जैसे कि आपको पता है कि 134A के लिए ऑनलाइन आवेदन हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पेरेंट्स के मन में काफी सारा डाउट रहता है एडमिट कार्ड को लेके, एग्जाम सेंटर को लेकर के और रिजल्ट को लेके काफी सारा डाउट रहता है। तो इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए जरूरी वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि बच्चे का एग्जाम है वो कब होना है। जैसे कि आपको पता है कि ये आवेदन है वो सेशन 2021-22 के लिए है। 134A का जो ये आवेदन है वो सेशन 2021-22 के लिए है और इसका जो एग्जाम होना है वो 5 दिसंबर 2021 को होगा। 5 दिसंबर 2021 को एग्जाम होगा। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में, सेंटर कौन सा रहेगा। तो एग्जाम सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन किया होता है आपका सेंटर कि कौन सा सेंटर आने वाला है, वो एडमिट कार्ड पे मेंशन किया होता है। आपको जब एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो वहां पे आपको एग्जाम सेंटर का पता चल जाएगा, एग्जाम तारीख का भी पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड में ये सारा कुछ मेंशन किया होता है। अगर आपको एग्जाम सेंटर का मैनुअल पता करना है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में जा सकते हो, बीईओ ऑफिस में जाइए, वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, वहां पे आपको है एग्जाम सेंटर की जानकारी मिल जाएगी। अब बात रही एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा, तो आपने देखा होगा कि एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है अभी तक भी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है 134a-hr.in, जहां पे आपने ऑनलाइन किया था फॉर्म, वहां पे अभी तक ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक नहीं दिया गया है। अगर इन फ्यूचर को लिंक आएगा तो मैं आपको वीडियो के बारे में जरूर बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, पर अभी तक वहां पे कोई लिंक नहीं है। अब की बार जो एडमिट कार्ड है वो कहां से मिलेगा उस बारे में आपको बताना चाहता हूं। एडमिट कार्ड आपको वो 3 दिसंबर 2021 को मिलेगा। आपको बीई ऑफिस में जाना है, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाना है और वहां से एडमिट कार्ड के बारे में रिक्वेस्ट करनी है, वहां से आपको एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, आपका बीई ऑफिस कहां पे है इस बारे में मैंने पीछे आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, इस लिस्ट में आप देख लीजिए, अपना ब्लॉक देख लीजिए वहां पे कहां पे है। यहां पे पूरा एड्रेस और पिन के साथ मेंशन किया हुआ है, तो आप लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट में आप वीडियो को पॉज करके और एड्रेस है वो नोट कर सकते हो, तो यहां से आप नोट कर लीजिए। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको बच्चे की एक आईडी, और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट और बच्चे की आईडी के साथ आपको जाना है और आपके बच्चे का एडमिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको एडमिट कार्ड वहां से मिल जाएगा। उसमें एग्जाम सेंटर और एग्जाम की तारीख सारा कुछ मेंशन किया होगा। अब बात रही रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट है वो 134A का रिजल्ट है वो एग्जाम होने के बाद 3 से 5 दिन में रिजल्ट अवेलेबल हो जाता है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है तो आपको बीई ऑफिस में मिलेगा। बीई ऑफिस में वहां पे लिस्ट लगेगी, लिस्ट में आप देख लीजिए कि आपके बच्चे के लिए कौन कौन से स्कूल अलॉट किया गया है, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा और स्कूल की डिटेल भी मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी एडमिट कार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में और एग्जाम सेंटर के बारे में कुछ जानकारी मैंने प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसे लगा है आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।